डियर स्टूडेंट्स तो आज के इस लेक्चर में हम रिवाइज करने जा रहे हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्राइमरी ट्रीटमेंट हमने देखा पिछले लेक्चर में तो आज हम देखेंगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट तो जो ऑर्गेनिक मटेरियल सॉलेबल ऑर्गेनिक मैटर हम प्राइमरी ट्रीटमेंट के जरिए रिमूव नहीं कर पाते हैं इस वेस्ट वाटर से तो उसको हमने रिमूव करना पड़ता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट तो उसके लिए हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए जाते है तो ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो है तो इसमें हम अब आपको याद रखना है कि इसमें हम सॉलेबल ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव करते हैं ठीक तो ये ऑर्गेनिक मैटर रिमूव करने के लिए हम हमें माइक्रोब्स की ज़रूरत पड़ती है तो वो माइक्रोब्स क्या काम करते हैं वो कंज्यूम करते हैं ऑर्गेनिक आर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ को एज़ uh, फूड और इनको कन्वर्ट कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी में ठीक तो इस तरह से हम इन ये जो सॉलेबल ऑर्गेनिक मैटर होते होता है वेस्ट वाटर में तो इसको हम बाहर निकाल देते हैं तो हमारे पास तीन ट्रीटमेंट मेथड्स हैं इस सेकेंडरी ट्रीटमेंट है एक हमारा है ट्रिकलिंग फिल्टर दूसरा एक्टिवेटेड सलज प्रोसेस और तीसरा हमारे पास होता है ऑक्सीडेशन पॉन्ड। तो ट्रिकलिंग ये जो फ़िल्टर है इसमें क्या है इस ये एक सिंपली एक टैंक होती है जिसका जो ये फिल्ड होती है विद ए डीप बेड ऑफ स्टूनस तो इसमें एक स्टूनस का बेड हुआ आ, होता है तो सेटेलट जो सीवेज होता है तो उसको हम स्प्रे कर देते हैं कॉन्स्ट तो ये स्टूनस के ऊपर से तो इसमें क्या होता है कि इसमें ये जो इसमें आ, वाटर है ये ट्रिकल हो जाता है इस इन स्टून के दरमियान जो गैप्स होती है तो उनमें से ये चला जाता है बॉटम पे तो वहां पे इसको कलेक्ट किया जाता है फर्दर ट्रीटमेंट के लिए ठीक तो एज द वेस्ट वाटर ट्रिकल डाउन बैक्टीरिया गैदर एंड मल्टीप्लाई ऑन द स्टून द टी डी फ्लो ऑफ सीवेज ओवर दीज ग्रोथ माइक्रोब्स टू एब्सॉर्व द डिजॉल्व ऑर्गेनिक्स दस लोअरिंग द बायोलॉजिकल ऑक्सीजन demand of the sewage air circulating up uh, uh, upward through the spaces among the stones provide sufficient oxygen for the metabolic processes. तो इनमें हमारे पास ये stone bed होता है जिसपे जो ही हम waste water उसपे डालते हैं तो waste water नीचे trickle होके नीचे चला जाता है और इसमें जो ये organic waste वो stones पे रहते हैं तो इन पे microbes आके इन पे microbial action करके वहाँ पे इसको carbon dioxide में convert कर देते हैं तो दूसरा प्रोसेस हमारा होता है एक्टिवेटेड uh, स्लच तो इसमें क्या होता है ये ट्रीटमेंट सिस्टम जो है इसमें एक एरिएशन टैंक होती है तो उस एरिएशन टैंक के बाद हमारे पास होता है सेकेंडरी क्लैरिफायर तो सेटेलाइट सेवेज मिक्सड विद फ्रेश स्लच दैट इज रिसर्कुलेटेड फ्रॉम द सेकेंडरी क्लैरिफायर इज इंट्रोड्यूसड इन टू द एरिएशन टैंक कंप्रेस एयर इज देन इंजेक्टेड इन टू द मिक्सचर थ्रो पोर्स डिफ्यूजर लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द टैंक as it bubbles to the surface the diffused air provides oxygen and a rapid mixing action uh, air can also be added by the churning action of mechanical propeller like mixers located at the tank surface under such oxygenated conditions microorganisms thrive forming an active healthy suspension of biological solids mostly uh, they involve bacteria Called activated sludge. About six hours of detention is provided in the aeration tank. This gives the microbes enough time to absorb dissolved organs from the sewage, reducing the biological exchange demand. The mixture then flows from the aeration tank into the secondary clarifier, where activated sludge settles out by gravity. Clear water is skimmed from the surface of the clarifier, disinfected, and discharged at secondary effluent. The sludge is Pumped out from a hooper at the bottom of the tank, about 30% of the sludge is recirculated back into the aeration tank where it is mixed with the primary effluent. This recirculation is a key feature of the activated sludge process. The recycled microbes are well accumulated to the sewage environment and readily metabolize the organic materials in the primary effluent. The remaining 70% of the secondary sludge must be treated and disposed of in an acceptable manner. देन वी थर्ड इसमें जो है थर्ड टेक्निक वो है ऑक्सीडेशन पॉन्ड तो ये ऑक्सीडेशन पॉन्ड इनको ऑल्सो हम लेग्यूनस भी कहते हैं स्टेबलिशन पॉन्ट्स भी कहते हैं ये लार्ज शेलो पॉन्ट्स होते हैं तो ये भी डिजाइन होते हैं किस चीज के लिए वेस्ट वाटर को ट्रीट करने के लिए तो इसमें क्या होता है इसमें इंट्रैक्शन ऑफ सनलाइट बैक्टीरिया एंड एल जे तो ये जरूरी है एल्गा ग्रो Using energy from the sun and carbon dioxide and inorganic compounds released by bacteria in water. During the process of photosynthesis, the alga release oxygen needed by aerobic bacteria. Mechanical aerators are sometimes installed to supply yet more oxygen, thereby reducing the required size of the pond. Sludge deposits in the pond must eventually be removed by dredging. Alga remaining in the pond effluent can be removed by filtration or by combination of chemical treatment and settling. By these methods, we uh, go for secondary treatment of this waste water.